जयपुर से है जहां 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन अपेक्स बैंक परिसर में हुआ। रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता व्यापक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। बीमा और चिकित्सा क्षेत्र में सहकारिता को कार्य करना चाहिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। सहकारिता की शक्ति उनके सदस्यों से है। जब तक लोकतांत्रिक पद्धति सहकारिता में रहेगी, इसका ढांचा मजबूत होता रहेगा, भविष्य में सहकारिता और श्रेष्ठता की तरफ जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता नवाचार एवं नए क्षेत्रों में कार्य कर लोगों के जीवन में बदलाव लाए। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने सहकारिता के ध्वज का ध्वजारोहण किया। इसके बाद अतिथियों ने अपेक्स बैंक परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर सहकारिता अपेक्स बैंक के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सहकारिता एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है और तमाम देश, हमारे देश में राज्य और पूरे राज्य भर में सभी ज़िलों में ये मनाया जा रहा है। सहकारिता के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इस आंदोलन की जो क्षमता है, जो इसकी पोटेंशियल है, इसके माध्यम से पूर्व में बड़े बड़े कार्य हुए हैं हमारे अपने देश में। अमूल, इफ़को ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जिनको पूरे विश्व स्तर पर सराहा गया है। उस तरह से एक आम आदमी तक सहकारिता की क्या भूमिका है वो पहुँचा।